हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट। गाइस, यहाँ पर देखिए, आप लोगों के एक नया वैकेंसी आया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए UPPCL रिक्रूटमेंट, सॉरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट EA रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म, ये भी स्टार्ट हो गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन दे रहा हूँ मैं, आप जितना जल्दी हो सके आप जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, फिर अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन देख लीजिए, 19 से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 27/9, मतलब इसी महीने 27 तारीख तक आपको अप्लाई करने के लिए मौका है। ठीक है, आपके पास EWS OBC वाले के लिए देख लीजिए, यही चार्ज रहने वाला है 1180 रुपीस, और ST के लिए 826 रुपीस चाहिए होगा। PWD के लिए 12 रुपीस, और आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, एज लिमिट 21 साल से 40 साल तक आपका एज होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर आपका SC ST और OBC वालों के लिए 5 ईयर और 3 ईयर का छूट मिलेगा। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट रूल। और यहाँ पर देखिए कौन सा पोस्ट में आपका रिक्रूटमेंट आ रहा है, 1033 पोस्ट में आपको रिक्रूटमेंट आया है इस बार। फिर पोस्ट नेम देख लीजिए, और टोटल पोस्ट UPPCL के ज़रिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 1273 पोस्ट में आया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज बोर्ड। आपका बैचलर डिग्री होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनी स्ट्रीम। ठीक है, और हिंदी वर्ड में टाइपिंग टेस्ट चाहिए होगा 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, UR के लिए 512 पोस्ट है, EWS के लिए 127 पोस्ट है, OBC के लिए 344 पोस्ट है, SC ST के लिए 266 पोस्ट है, टोटल देख लीजिए 12873 पोस्ट है इस बार। ठीक है, आप जाके अप्लाई कर दीजिए जितने जल्दी हो सके। ठीक है, UPPCL उत्तर प्रदेश आर रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी इन UP एनर्जी लिमिटेड लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, और गाइस यहाँ पर बोल देते हैं, यहाँ पर आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, आपका मतलब आपका आधार कार्ड या फोटो सिग्नेचर, थाना इंस्पिरेशन, और आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स आप शो करना चाहते हो, या माध्यमिक उच्च माध्यमिक, और आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जो जो स्कैन करने वाले हो उसका हार्ड कॉपी रहना चाहिए, और उसका फोटो कॉपी मतलब स्कैन कॉपी आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका जो फॉर्म फिलअप आप पेमेंट कर दोगे, फिर आपका अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपका एक पेज निकलेगा, उसका कंफर्मेशन पेज बोलता है, उसका एक प्रिंट आउट आप अपने पास लेके रख देना। ठीक है, यही जरूरी है रहता है, क्योंकि देखिए आपके पास एक प्रूफ रह जाएगा। ठीक है, आप उसको एक प्रूफ के जरिए रख देना आपके पास। ठीक है, थैंक यू।